हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी के तो 8 बज रहे हैं और मैं अभी उठा सो के, और आज तो 15 तारीख तो उसके लिए क्या बोलते हैं, आज होलिका दहन का तैयारी वैरी हो रहा है कि नहीं गांव तरफ तो पता नहीं, जाके देखेंगे। और ये क्या, यहाँ तो ये लोग कलाकारी कर रहे हैं, लिख रहे हैं गुरुकुल का बोर्ड में। सो फिलहाल अभी तो सुबह हो रही है दोस्तों, और अभी फ़िलहाल ब्रश व्रश करेंगे, फ्रेश व्रेश हो जाएंगे। आज ट्विस्ट डे भी है और आज मेरा मंगलवार है, कुछ खाते पीते नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल खाना वाना नहीं खाते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी है ओके। हम लोग करते हैं एक नंबर होलिका दहन हर साल, लेकिन इस बार देख रहे हैं बच्चा लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है गांव तरफ जाके। आजकल के लड़का लोग सिर्फ मोबाइल में ही बिजी रहता है, पबजी फ्री फायर गेम में ही एनी टाइम बिजी रहता है। तो अभी फ़िलहाल जाएंगे देखने के लिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ तैयारी वैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत भी तो करना चाहिए। हम लोग जिस टाइम बचपन में थे तो उस टाइम करते थे और बहुत ही मज़ा आता था, उस टाइम का सबको मिल के करते थे, और बहुत बड़ा बड़ा पेड़ से पत्ता सब लेके आते थे, और खजूर का पेड़ जो होता है सूखा वाला उसको भी लेके आते थे, पूरा गाड़ के उसको पूरा चारों तरफ से सजा के और आग लगाते थे रात को 8-9 बजे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था, सबको एक्टिव रहते थे। तो अभी के लिए अभी का लड़का लोग कुछ कर ही नहीं रहा है, वैसा कुछ देख भी नहीं कर रहा है आजकल का जो मोबाइल का आ गया उस हिसाब से। तो अभी हम लोग जाएंगे गांव तरफ, पहले फ्रेश व्रेश हो लेते हैं उसके बाद, क्योंकि ऐसे ही जाएंगे नहीं। तो अभी फ्रेश व्रेश हो लेते हैं दोस्तों, जल्दी से जा रहे हैं, फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, नहा वहा लेते हैं। टाइम भी हो गया, 9:30 बज गया और अभी कुछ हुआ नहीं है, तो दुकान भी खुल गया है। तो फिलहाल जल्दी से नहा वहा लेते हैं, उसके बाद गुरुकुल के लड़के लोग कलाकारी कर रहे हैं, यहाँ पर अपना लिख रहे हैं कल्याण गुरुकुल बोकारो चास कॉलेज चास कैंपस, तो यही अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। फाइनली हम लोग खाना वाना खा के गए हुए थे गांव तरफ, लेकिन गांव तरफ का अभी तो बज रहा है 12, इसलिए वो लोग बोले अभी नहीं, शाम को करेंगे तैयारी व्यारी, और शाम को हम लोग जाएंगे जुगाड़ उगाड़ करेंगे जो भी होगा इस चीज़ का, होलिका दहन का तैयारी व्यारी करना है तो शाम को होगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा क्योंकि इतना धूप में कोई निकल नहीं रहा है और सब कोई अपना अपना घर में है। तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ही धूप है अभी, और इतना समय भी नहीं आया है मार्च का, आज 15 मार्च है, लेकिन देखिए किस तरह का धूप है। जब पूरा अप्रैल महीना मई महीना चलेगा तो उस टाइम तो निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ हो नहीं रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल घर, उसके बाद जब शाम को निकलेंगे और शाम को जुगाड़ करेंगे, शाम को तैयारी होगा तो दिखाएँगे हम आपको वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों लास्ट तक। अभी सोचे थे कि 2 घंटे 1 घंटा सोएंगे, लेकिन पूरा 2 बजे 12 बजे 12:30 बजे सोएँ और अभी उठ रहे हैं, 3 बज रहा है, अभी उठ के जाना होगा तैयारी व्यारी। जो लड़का लोग आ गए हैं तो उन लोग के पास जाएंगे और तैयारी व्यारी का क्या होगा, क्या उपाय है, तो वही सब जाके देखना होगा। तो अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल अभी, और दिखाते हैं हम आपको वहाँ पे जाके, जा रहे हैं लेके कुम्हारी, उसको क्या बोलते हैं टेंगला जैसा, टेंगला लेके जा रहे हैं हम लोग। और वहाँ पर लड़का लोग क्रिकेट विकेट खेल रहा है, तो उन्हीं लोग को सबको बोलेंगे कि क्रिकेट सबको बोलेंगे कि जो सूखा हुआ पेड़ रहेगा उसी को काटेंगे, और सूखा पेड़ को काट के साइड में इधर लाना है और उसको गड्ढा खोद के उसमें गाड़ना है, और उसी को चारों तरफ से पूरा पत्ता सूखा हुआ पत्ता देके उसी को पूरा जला के लास्ट में जिस दिन होगा 17 तारीख के शाम को जलेगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं पत्ता वत्ता जमा वमा करने और लकड़ी उकड़ी काटने के लिए। तो फ़िलहाल वीडियो बने रहें दोस्तों, और सब लड़का लोग हैं, मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा। पूरा पत्ता झड़ा हुआ है, इसी को पूरा जमा कर लेंगे और सब इसी को जमा वमा करके पूरा यहाँ पे गाड़ेंगे पेड़ को और उसी को मिला के जलाएंगे। और ये लड़का लोग है, ये लोग भी अभी साथ में जाएगा, ये लोग गेम अभी खेल रहा है। सो गाइस, वीडियो में बने रहे, मज़ा आने वाला है। अच्छा से सबको काट के सबको हटा दो, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, पत्ता सब जमा करना होगा अभी। चलो इतना
कितना गेम खेल रहे हैं यार, एनी टाइम खाली गेम खेलते रहते, देख रहे हैं कितना भीड़ लगा के एक साथ एक देख रहे, एक ये लड़का खेल रहा है यहाँ पे, वो लड़का यहाँ पे खेल रहा है। हम लोग अभी पूरा पत्ता सूखा हुआ पत्ता जमा कर लेते हैं एक साथ एक जगह पे, उसके बाद कहीं अच्छा सा जगह देख के उसको ही करेंगे। फिर देखिए लोग ही कर रहा है, जमा कर रहा है पत्ता, सब तैयारी पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। अभी फिलहाल आज पेड़ वेड़ नहीं काटेंगे क्योंकि आज टाइम है, परसों है तो कल चल जाएगा उसके लिए। अभी हम लोग को पूरा पत्ता वत्ता जुगाड़ करना होगा सबसे पहले। पेड़ चढ़ के ब्लॉगिंग कर रहे हैं और पेड़ में छोटे छोटे, ये हम महुआ का पेड़ और इसमें छोटे छोटे ये जैसा लगता है, तो हम दिखाएंगे आप लोग को कचरा, इसका सब्जी भी बनता है और महुआ का जानबे करते हैं दारू भी बनता है। सो फिलहाल अभी हम लोग पेड़ में बैठे हुए हैं और पेड़ से ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम। यहाँ से हम दिखाते हैं आपको नज़ारा और जो पेड़ में छोटे छोटे जिस हम लोग बोलते हैं कचरा, वो सब फल रहा है, मुकुल जैसा दे रहा है, तो उसको हम दिखाएंगे आपको। जो मुकुल जैसा है इसमें महुआ फलेगा धीरे धीरे और पूरा जब पत्ता झड़ जाएगा इसके बाद से महुआ फलेगा। ये देखिए छोटा सा, इसको हम तोड़ के दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए महुआ फलेगा इसका पूरा एकदम, और वो लड़का लोग नीचे है, हम पेड़ में बैठे हुए हैं और यहाँ से दिखाते हैं आपको पेड़ के ऊपर से ब्लॉगिंग कर रहे। कोई देखेगा अभी तो क्या बोलेगा कि पेड़ से ब्लॉगिंग कर रहा है इतना ऊपर चढ़ के चारों तरफ से। नाउ यू कैन सी, बहुत दिनों के बाद पेड़ चढ़े हैं। बचपन में थे तब पेड़ चढ़ा करते थे, अभी बहुत दिनों के बाद पेड़ चढ़े हैं इसीलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट यहीं से कर दिए। आई होप आप सभी पेड़ चढ़ते होंगे और हो सके तो चढ़ते होंगे, लेकिन नहीं अभी कोशिश कीजिए क्योंकि पेड़ चढ़ना मुश्किल है। देखिए मेरे नीचे तरफ से पेड़ चढ़ के ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सो गाइस और मेरे साथ एक बच्चा भी चढ़ रहा है, वो भी पता नहीं चढ़ने सका कि नहीं। दिवाकर चढ़ने सका? आ जाओ ऊपर आ जाओ, चढ़ने सकेगा तो आ जाओ पे। और मैं इधर आगे एकदम कोना तरफ साइड में एकदम धीरे धीरे चलूंगा और उतरूंगा, कहीं गिर ना जाऊं पेड़ में ही नहीं गिरूंगा, कोशिश तो रहेगा कि नहीं गिरने का। सो गाइस पेड़ से ब्लॉगिंग, फर्स्ट टाइम कोई पेड़ में ब्लॉगिंग कर रहा है, ओह मज़ा ही आ जाएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि मैं पेड़ में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और पेड़ इतना बड़ा ही है कि क्या बोले, इधर उधर जाने का भी रास्ता है चारों तरफ, और यहाँ तो आराम से बैठने का भी जगह हम दिखाते हैं आप। यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं पेड़ के बीचों बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के रह सकते हैं यहाँ पे आराम से, कुछ लाए हैं तो खा भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, यहाँ सोने का भी जगह है थोड़ा सा, अच्छा जगह है, बड़ा पेड़ है, महुआ का पेड़ है इसीलिए, नहीं तो दूसरा पेड़ में इस तरह का जगह नहीं रहेगा। सो गाइस अब उतरते हैं हम लोग पेड़ से, खड़ा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैठ भी सकते हैं आराम से, सोने का भी जगह है। हाँ मैं तो आराम से बैठ गया था यहाँ पे पेड़ में, महुआ का पेड़। और हम लोग यहाँ पे बचपन में जब पहले आते थे क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए तो हम लोग तो खेलते नहीं थे, बस इधर पेड़ वेड़ चढ़ा तो इसी पेड़ से हम लोग चढ़ के देखते थे क्रिकेट खेल। दिखाते हैं आप लोग को वहाँ विकेट जो गड़ा हुआ है वहीं खेल होता था और हम लोग यहाँ बैठ के क्रिकेट खेल देखते थे। देख सकते हैं विकेट विकेट गड़ा हुआ है, यहीं से हम लोग यहाँ वहाँ खेल चलता था और हम लोग यहाँ बैठे हुए रहते थे बचपन में जब क्रिकेट विकेट खेलते थे तब। ताज़ा हो गई पेड़ चढ़ के, सो फिलहाल अभी फिर पेड़ से उतरते हैं, पूरा पसीना पसीना हो गया पेड़ में, हवा भी नहीं चल रहा है थोड़ा सा भी। सो उतर जाते हैं पेड़ से दोस्तों।
सो गाइस मैं फाइनली उतर गया पेड़ से, हो गया फाइनली। हम लोग आए थे लेकिन कुछ काम हुआ नहीं, तुच्छ गिरी हुआ बस, खाली सबको मिल के मस्ती उस्ती हुआ, तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं। कल परसों है तो हम लोग सोचे कि कल, सब लड़का लोग बोल रहा था कल ही करेंगे, एक ही दिन बाकी रहेगा उसी दिन खाली करेंगे, तो फिलहाल अभी चल रहे हैं घर। शाम भी हो गया और टाइम हो रहा है 5:30 बज रहा है, तो फिलहाल अभी चलते हैं घर दोस्तों। दुकान में भी भीड़ होगा तो दुकान भी संभालना होगा। गाइस फाइनली हम लोग खाना वाना खा के आ गए हॉस्टल के रूम, और हॉस्टल के रूम में अब सोएंगे आराम से। अभी तो बज रहा है 10 बज रहा है, अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया, और हम लोग तैयारी व्यारी कर रहे थे होलिका दहन के लिए, लेकिन आज उतना तैयारी हो नहीं पाया क्योंकि लड़का लोग उतना मन नहीं दिया, इसलिए क्योंकि 17 तारीख को होलिका दहन है और आज 15 तारीख है, तो कल आराम से हो जाएगा, तो उसके लिए भी समय है, तो फिलहाल इसीलिए नहीं हुआ आज, थोड़ा बहुत ही हुआ। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छा सा ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।